नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। चलिए मैं डालते हैं आज की खबरों पर। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज शुरू हो गया। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर जिले में भी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह से मतदान केंद्र पर मतदाताओं की भीड़ देखी जा सकती है। फिलहाल इस चुनाव में जहाँ बुजुर्ग महिला पुरुष मतदाता लाइन में देखे जा रहे हैं, वही उम्र के मतदाता भी देखे जा रहे हैं। वहीं जिसमें कोविड के नियमों का पालन भी नहीं हो पा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं पूरे जिले में 1136 ग्राम प्रधानों, 13422 ग्राम सदस्यों, 1116 बीडीसी और 45 जिला पंचायत सदस्यों के लिए 1263 मतदान केंद्रों में 3217 बूथों पर मतदान होगा और पूरे जिले में 19,54,692 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। आपको बताते चले कि जनपद में 32 मतदान केंद्र संवेदनशील, अति संवेदनशील 105 व 29 मतदान केंद्र को अति संवेदनशील पंच के रूप में चिन्हित किया गया है। इन मतदान केंद्रों की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी और अतिरिक्त सशस्त्र जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 19 जोनल व 107 सेक्टर मजिस्ट्रेट व 152 सहायक निर्वाचन अधिकारियों एआरओ की तैनाती की गई है। ऐसे में जिले में जिम्मेदारों के द्वारा शांतिपूर्वक मतदान की उम्मीद भी जताई जा रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा एसओजी टीम ब्लैक यूनिफॉर्म में गठन किया गया है, जो जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक के साथ जायजा ले रही है। आज सुबह का समय है, थोड़ा भीड़ लग गया है। चुनाव आचार संहिता पालन कराया जा रहा है, सभी को लॉकडाउन के नियमों को पालन कराया जा रहा है और हम इसको प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द सही करा दे रहे हैं।